Hello, everyone. I am Trupti. Welcome to NPC, the channel where you can learn all the concepts of physics. And uh, from now, we are going to start a new chapter, chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. Okay, in our last video, we have discussed so many things like electric charge, electric force, electric field, electric flux, and Gauss law and its applications. I hope you have liked that video. And from now, we are going to start. A new concept of electrostatics, and uh, that is all about the potential and energy stored device capacitance. So one by one, uh, we have covered lots of topic in our chapter chapter number two, like electrostatic potential, electrostatic potential difference, electrostatic potential energy, and energy stored device capacitance, and uh, टूडे वी विल कवर अ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल ड्यू टू अंट चार्ज ओके सो लेट्स नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल जनरली फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है ओके मीन्स अगर आप टू पॉइंट्स कंसिडर करें और उन टू पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें तो वो किस तरह से फाइंड होता है आप इस वीडियो लेक्चर में जान पाएंगे ओके सो फर्स्टली वी हैव टेकन टू पॉइंट्स पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ओके सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस विल बी द पॉइंट बी ओके एंड पॉजिटिव यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज हम हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट चार्ज का यूज़ करते हैं सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने पॉइंट बी पर रखा ओके एंड पॉइंट बी पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है उसे आपको पॉइंट बी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके सो Uh, if we talk about the definition of electrostatic potential difference between the two points so we can say that electrostatic potential difference between the two points is equals to the work done from the external agent in moving a unit positive charge from point b to a okay and without acceleration इस डेफिनेशन में एक वर्ड हमने इंक्लूड किया है दैट इज विदाउट एक्सलरेशन और वी okay, कैन से विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओके मींस आपको पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज नोट को पॉइंट बी से ए तक लाना है ओके मींस इन दिस पे एंड किस तरह से आपको वर्क करना है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू मीन्स एक्सटर्नल एजेंट जो है वो क्यू नोट को पॉइंट बी से ए तक लाएगा ठीक है वर्क किया अब ये जो वर्क है दिस वर्क इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके मीन्स ये जो वर्क है आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा क्यों होगा क्योंकि हमें इस पॉइंट चार्ज को विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स काफ़ी वेरी स्लोली मूव करवाना है बी टू ए स्लोली मूव इसलिए करवाना है ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो और काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिल पाएगा ओके okay. और यहाँ पर हमारा एम है पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना ओके okay. तो पोटेंशियल डिफरेंस किस कंडीशन में फाइंड हो सकता है जब ये चार्ज स्लोली मूव करे अगर आप एक्सटर्नल uh, एजेंट को रिमूव कर दें तो डायरेक्टली क्यू नोट जो चार्ज है वो पॉइंट बी से ए पर आ जाएगा ठीक है मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो काफ़ी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल गिर जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा ठीक है बट हमारा जो एम है इस फिनोमिना में पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है तो पोटेंशियल कब मिलेगा जब आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़ीरो होगा ठीक है काइनेटिक चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिनिमम होगा तभी पोटेंशियल आपको मिल पाएगा तो आपने क्या किया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए पोटेंशियल एट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स वी ए माइनस वी बी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है मीन्स आप बीस से ए तक आ रहे हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन है आपका ए है और आप स्टार्टिंग कहां से किया बी से सो फाइनल माइनस इनिशियल ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम अ एक्सटर्नल एजेंट ठीक है वर्क डन किसने किया एक्सटर्नल एजेंट ने इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए किस पॉइंट से किस तक गया बी से ए तक ओके ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ठीक है मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओके नाउ यहां पर जो मैंने कंडीशन अप्लाई किया है क्या बोला है कंडीशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज स्लोली होना चाहिए मीन्स काफी कम होना चाहिए ठीक है काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज या फिर आप बोल सकते हैं एक्सलरेशन इज जीरो ठीक है एक्सलरेशन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए सेकेंड थिंग है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मीन्स पॉइंट बी से ए तक क्यू नोट को किसी भी वे में किसी भी पाथ में ले जा सकते हैं ठीक है मीन्स ये जो वर्क डन है या ये जो पोटेंशियल है दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट ठीक है पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है क्योंकि आपने जो वर्क डन किया बी टू ए मीन्स वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ठीक है ये दोनों जो वर्क डन है इससे अगर आप सम करें ऐड करें मीन्स बी से ए तक और ए से बी तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन है राउंड ट्रिप का जो वर्क डन है दैट इज़ ज़ीरो ठीक है मीन्स कोई भी आप वर्क नहीं करेंगे इस पूरा राउंड ट्रिप में घूमने पर ठीक है मीन्स अगर आप बी से ए तक गए और ए से वापस बी तक आए तो आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फोर्स जो ए, फोर्स जो वर्क कर रहा है दैट इज कंजर्वेटिव ठीक है मीन्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कैसा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ही यह है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ठीक है सो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव ओके यहां तक क्लियर है नाउ, नाउ बात करें क्वांटिटी की सो so, क्वांटिटी जो है दे द स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कैसा है स्केलर क्वांटिटी ओके एंड यूनिट यूनिट इज वर्क की यूनिट जूल एंड चार्ज कूलम, जूल पर कूलम और इसे ही हम वोल्ट कहते हैं ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं तो इसका जो यूनिट है दैट इज वोल्ट और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल वी से कैपिटल वी से इसे डिनोट किया जाता है सो so, Uh, ये जो बेसिक थिंग्स है दैट इज द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल ठीक है अब हम पोटेंशियल पर आते हैं क्योंकि तो पोटेंशियल को समझने के पहले पोटेंशियल डिफरेंस को समझना जरूरी था ठीक है अब हम पोटेंशियल पर आते हैं पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ठीक है सो पोटेंशियल क्या होगा अब तो हमने अगर हमारा ये एम है कि हमें एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए ठीक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए फिजिक्स में ये एज्यूम किया जाता है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो ओके okay, मींस अगर आप इस इक्वेशन में पॉइंट बी को इन्फिनिटी पर रख दें मींस कि आप जो क्यू नोट यूज कर रहे हैं टेस्ट चार्ज एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसे पॉइंट बी के बजाय इन्फिनिटी पर रख दें और इन्फिनीटी से ए पॉइंट पर लेकर आए तो जो आपके पास वर्क डन होगा दैट इज़ इक्वल्स टू द पोटेंशियल ओके मीन्स वी एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो ये क्या किया है एज्यूम किया हुआ है ठीक है फिजिक्स में सारी बुक्स में आपको ये लाइन मिलेगी कि एज्यूमिंग वी इन्फिनिटी ज़ीरो ओके मीन्स आपको बी पॉइंट को कहाँ पे ले जाना है इन्फिनी पर अब इन्फिनिटी पर ले गए तो ये इक्वेशंस जो बन गई है वी ए माइनस वी बी के प्लेस पे आप इन्फिनिटी पुट कर दें एंड इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ठीक है एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए बाय क्यू नोट ओके सो इन्फिनीटी का पोटेंशियल जीरो सो वी ए मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज इन्फिनीटी टू ए ओके बाय क्यू नोट तो ये आपका इक्वेशन आ गई पोटेंशियल एट अ पॉइंट दिस इज इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पॉइंट एके सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनीटी इन्फिनी से कहाँ पर ले आए हैं आप पॉइंट ए पर ओके सो इन इंफिनिटी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ओके ये पॉइंट क्लियर है अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है ठीक है इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी एंड अगर सिंपली आप इसका फॉर्मूला लिखें सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है ठीक है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा वर्क का जूल एंड फॉर चार्ज इट इज कुलम और इसे ही आप बोलते हैं वोल्ट ओके कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इसे सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज के लिए ओके सो ध्यान से इस डेरिवेशन को देखिए ठीक है लेट्स अ लुक ओके इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज ओके आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ पॉइंट ए पर और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ओके okay. पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिफाइन करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज लेना होता है और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से आपको उस पॉइंट तक लाना होता है ठीक है टोटल वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल ठीक है यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेस करना है ठीक है बट पॉइंट ए पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है तो उस पर हम क्या करते हैं यस yes, अगर फोर्स निकालना है या फील्ड निकालना है तो क्या होता है फोर्स इज इक्वस टू के क्यू क्यू नॉट क्यू नॉट मीन्स जो आप टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो ठीक है एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर आर स्क्वायर तो ये हुआ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ओके एंड अदर वन इज पॉजिटिव टेस्ट जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो फोर्स ये होगा अब देखिए कि अगर आप इन्फिनिटी को किसी भी प्लेस पर ले लें इन्फिनिटी तो कहीं पर भी हो सकता है तो हम इस पॉइंट पी के रेडियली स्ट्रेट डायरेक्शन में इन्फिनिटी पॉइंट को लेंगे क्या करेंगे स्ट्रेट डायरेक्शन में इन्फिनी कहीं पर भी ले सकते हैं तो हमने एक पॉइंट चूज किया जो कि पी पॉइंट के एकदम स्ट्रेट है ठीक है यहां पर आपने इन्फिनिटी ले लिया और इन्फिनी पे आपने पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज रख दिया अब इस पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज को इन्फिनी से पॉइंट पी पर लाने में जो वर्क करना होगा दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल ओके तो हम इसे कैसे फाइंड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज इज रिपल्सिव ओके मीन्स लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होता है रिपल्सिव तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा रिपल्सिव ओके okay, अब हमें इन्फिनिटी के अराउंड की जो इंफॉर्मेशन है अगर इन्फिनी से पास ले लें आप तो भी उसे इन्फिनिटी ही कंसिडर करना पड़ेगा इन्फिनिटी से अगर आगे का डिस्टेंस ले लें तो भी उसे इन्फिनिटी कंसिडर करना पड़ेगा तो इन्फिनिटी से आप पॉइंट पी तक न जाते हुए अगर आप पी से इन्फिनिटी पर जाने के लिए जो वर्क डन है वो फाइंड कर लें और उसे नेगेटिव कर दें तो इन्फिनिटी टू पी आ जाएगा ठीक है मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी इन्फिनिटी टू पी जो है वो होता है टोटल वर्क डन इज इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी और टोटल वर्क डन क्या होगा जीरो ये हमने पढ़ा है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि वर्क डन फोर अराउंड ट्रिप इज जीरो मीन्स इन्फिनिटी से पी गए एंड पी से इन्फिनिटी गए तो टोटल तो 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 वर्क डन हो जाएगा जीरो तो हमें फाइंड करना है इन्फिनिटी टू पी बट इन्फिनिटी से अराउंड की इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण हम पी से इन्फिनीटी वर्क फाइंड कर लें और उसे नेगेटिव कर लें तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा ओके okay, मीन्स हम क्या करेंगे कि ये जो पी टू इन्फिनीटी है p2 टू इन्फिनिटी हम फाइंड कर लेते हैं ठीक है और उससे नेगेटिव कर देंगे तो इन्फिनीटी टू पी आ जाएगा ओके okay. तो हमारा जो एम है वो अब p से इन्फिनीटी पॉजिटिव q नोट को हम कहाँ पर रख लेते हैं p पर पॉइंट p पर अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्स कहाँ लगेगा इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज ओके सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ओके बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के अगेंस्ट करेगा क्यों क्योंकि आपको चार्ज को मूव करवाना है स्लोली ठीक है अगर आप एक्सटर्नल एजेंट यहां फोर्स अप्लाई नहीं करता है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक लग रहा है यहां इसकी वजह से ये चार्ज क्यू नोट है वो इजीली इन्फाइनाइट पर चला जाएगा जो कि आपका पर्पस नहीं है पर्पस ये है कि क्यू नोट को स्लोली मूव करवाना है पी टू इन्फिनिटी ठीक है अब पी टू इन्फिनिटी स्लोली मूव करवाना है तो इस इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना होगा तभी ये चार्ज मूव करेगा स्लोली ठीक है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाएगी तो आपको पोटेंशियल ठीक से नहीं मिल पाएगा या पोटेंशियल का जो अमाउंट है वो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा ठीक है तो इसके अगेंस्ट आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ठीक है एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ओके okay, अब हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो आपको पता नहीं है ठीक है ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए फोर्स जो है वो वेरी करेगा हर एक पॉइंट पर ठीक है फोर्स कांस्टेंट नहीं है यहां पर फोर्स क्या है वेरिएबल है फोर्स हर एक पॉइंट से आप पॉइंट पी से इंफिनिटी पर जाओगे तो हर एक पॉइंट पर वेरी करेगा तो यहां पर हम वेरिएबल फोर्स की डेफिनेशन को यूज करेंगे ठीक है सपोज आपने यहां डी आर जो है वो मूव करवाया पॉजिटिव क्यू नोट चार्ज को डिस्टेंस डी आर मूव करवाया अभी आपको इंफिनिटी तक जाना है बट आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है इसीलिए आपने एक स्मॉल सा डिस्टेंस ले लिया डी आर ठीक है देन नोट को आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवाया तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करवाया तो स्मॉल वर्क आपको करना होगा ठीक है तो स्मॉल वर्क के लिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर ओके डिस्प्लेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये जो डेफिनेशन है वर्क की ये क्या है वेरिएबल फोर्स के लिए ठीक है अगर आप W इज इक्वल टू एफ डॉट आर करते तो दिस इज इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वर्क या कांस्टेंट फोर्स बट यहाँ पर फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ तो आपको जो वर्क करना होगा वो भी वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा डेफिनेशन ठीक है सो डी डब्ल्यू इज टू एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर बट यहां पर डायरेक्शन मैटर करेगा डायरेक्शन जो है ये फोर्स आप जो ले रहे हैं वर्क जो है वो एक्सटर्नल एजेंट तो फोर्स भी एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स एक्सटर्नल एजेंट का इस डायरेक्शन में है और आपका जो मूवमेंट है डी आर वो इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल कितना हो जाएगा थीटा ए इंटू बी ए बी थीटा सो ए बी कॉस 180 डिग्री क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है एंड एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में सो कॉस वन एटी होगा ओके टोटल वर्क डन हो जाएगा इन पी से इंफिनिटी जा रहे हैं आप ठीक है टोटल वर्क डन पी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दें एफ डॉट डी आर और कॉस वन एटी क्या होता है माइनस वन ओके कॉस एटी कॉस वन एटी की वैल्यू होती है माइनस वन सो माइनस एफ डॉट डी आर और ये जो एफ डॉट डी आर है ये क्या है एफ एक्सटर्नल और एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करना है ठीक है मतलब उससे थोड़ा कम क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आप इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के इक्वल अप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्लोली मूव कर पाएगा ओके सो एफ एक्सटर्नल या फिर एफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होगा ये दैट इज माइनस के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर ओके डिफ्रेंशिएट कर दो माइनस ये टर्म कांस्टेंट है के ठीक है क्यू एंड क्यू नॉट आल्सो कांस्टेंट सो इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन वन बाई आर रिमाइनिंग टर्म ओके डी आर अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं पॉइंट पी से जा रहे हैं इंफिनिटी ठीक है मीन्स यहाँ डिस्टेंस कितना है आर आर टू इन्फिनिटी सो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप आर टू इन्फिनी ठीक है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वही वेरी कर रहा है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ ही आप वेरी करवा रहे हैं ना सो so, डिफरेंशियल uh, जिसके रिस्पेक्ट में है लिमिट भी उसी के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा ओके नाउ वी सॉरी डब्ल्यू वर्क डन पी टू इन्फिनी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नोट यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे सो इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर दें आर पावर माइनस टू ओके सो माइनस टू प्लस वन एंड अपॉन माइनस टू प्लस वन तो डायरेक्टली मैं लिख दू वन माइनस वन बाई आर ओके एंड आर टू इन्फिनिटी, ठीक है इसे कैलकुलेट करेंगे सो माइनस के क्यू क्यू नोट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड वन बाय फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो वन बाई इन्फिनिटी माइनस वन बाय आर सो हेयर इज योर इक्वेशन के क्यू क्यू नोट बाई आर दिस इज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट पी टू इन्फिनीटी ये क्या है वर्क डन पी टू इन्फिनिटी अगर आपको इन्फिनिटी टू पी चाहिए तो इससे आप नेगेटिव कर दें ठीक है इन्फिनीटी टू पी चाहिए क्योंकि हमारा एम इन्फिनीटी से पी तक ही लाने का था बट इन्फिनिटी के अराउंड की कोई इंफमेशन नहीं है आपके पास इसीलिए आपने पी से इन्फिनिटी गए ओके सो इन्फिनिटी टू पी हो जाएगा माइनस सो so ये वाला जो टर्म हो जाएगा के क्यू क्यू नोट अपॉन आर पॉजिटिव हो जाएगा ओके okay, सो so हमारा जो एम है वो फुलफिल हो गया वर्क डन करने का ठीक है अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू वर्क डन ओके वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट जिस चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं उसके अपॉन में हो जाएगा ठीक है डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर इन टू क्यू नोट क्यू नोट से क्यू नोट कैंसल सो के क्यू बाई आर वी पी मीन्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वस टू के क्यू बाई आर तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आया पोटेंशियल एट पॉइंट P अब ये जो पोटेंशियल है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी ओके सो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इक्वेशन पॉजिटिव होगी अगर नेगेटिव चार्ज लें पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्वेशन या पोटेंशियल क्या हो जाएगा पॉजिटिव के क्यू बाई आर बट अगर नेगेटिव चार्ज लें तो इक्वेशन ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो यहां डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं रहेगा ओके okay. नाउ एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई करेंगे आप अगेंस्ट द फोर्स ओके मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड नाउ सेकेंड वन इज वर्क डन टोटल वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा ठीक है टोटल वर्क डन इज इन अ राउंड ट्रिप ओके इन अ सर्कल राउंड ट्रिप इज जीरो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है और हाँ यस yes, एक और इंपॉर्टेंट हमने uh, पॉइंट कंसीडर किया था दैट इज दिनिटी पर पोटेंशियल आपका क्या होगा जीरो ओके okay. ये कैसे प्रूफ होगा तो देखिए वी पी आपके पास जो आया फॉर्मूलाई आर मीनस वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओके मीन्स आप अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वो इस तरह से आएगा वी एंड आर में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस तरह से आएगा मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा क्या करता जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज और आर इन्फिनिटी आर को अगर आप इन्फिनिटी पर रख दें मीन्स डिस्टेंस इन्फिनिटी ले लें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो और यही हमने अज्यूम किया था कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो ओके सो आई होप आपको इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के ये सभी पॉइंट्स क्लियर हुए ओके okay. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ेंगे एंड डायपोल पढ़ेंगे ओके सो स्टेट यू विथ एन पी सी थैंक यू सो मच